वाकई चेतन के परिजन ने जिस तरीके से पूरी अपनी नापझोंक की, पूरा वहाँ का जो माहौल एक तरीके से क्रिएट किया, उसे देखकर लगता नहीं कि यहाँ ये पूरा मामला आत्महत्या का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस भी ये कहती है कि उन्होंने भी पूरा डेमो किया है। डेमो करने के बाद हर चीज़ को देखा है, और जो हमारी पुलिस से बातचीत हुई उनका कहना ये था, जब सवाल ये उठा कि उस शख्स के हाथ में हरे रंग की कोई भी इस तरह की रस्सी नहीं थी जिसने जिसकी वजह से उसने फंदा लगाकर यहाँ पर जान दी, तो पुलिस का जवाब ये भी था कि हो सकता है कि वो रस्सी बिल्कुल पतली थी और हो सकता है कि वो अपने कपड़ों के अंदर उसे छुपा कर लेकर गया हो। जोशी जी, आपने इस तरह के कई मामले पहले भी देखे होंगे, आपका एक अच्छा अनुभव रहा है, क्या इन चीज़ों पर यकीन किया जा सकता है? और आज फिर बताता हूँ कि आप अपने टीवी चैनल पे वो सीसीटीवी को दिखाएं जब ये जा रहा है और जब लटका हुआ है वो दिखाएं, उसके अंदर आपको अंतर पता चल जाएगा कि उसके जब पीछे है वो चूने के निशान है तो वो रास्ते में कहाँ लेट गया भाई। आप देखिए लटकते हुए जब पीछे उसके जो स्वेटर है, स्वेटर के ऊपर चूने के निशान है, तो वो तो तब आएंगे जब उसको लेटाया गया हो या कहीं दीवार पर उसके रड़क लगी हो। तो खुद अगर नीचे लटक रहा है तो उल्टा क्यों लटकेगा, जबकि यहाँ पर उसका जो चेहरा था वो बुर्ज के अंदर की तरफ था, पीठ बाहर की तरफ। हाँ, तो आप देखेंगे जब ये सीसीटीवी कैमरे में जा रहा है तब उसके इसमें दिखते हैं साफ कि उसके पीछे पीठ के ऊपर स्वेटर पे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है, और इसमें निशान है लटका हुआ है जिसमें। तो ये बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। मसला ये है कि इस प्रकार के मसलों में संवेदनशीलता रहती है, और उस संवेदनशीलता से निपटने के लिए पुलिस में थोड़ा सा समय जरूर लेगी। योगेंद्र जी, यहाँ पर एक मसला और सामने आया था, जब ये लाश मिली थी तो वहाँ जो नीचे पत्थर रखे हुए थे, जो पत्थर बिछे हुए हैं उस नाहरगढ़ फोर्ट पर, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा पत्थरों पर कोयले से काफ़ी कुछ इबारतें भी लिखी हुई थी। क्या कोई शख्स मरने से पहले इस तरह की बातें, इस तरह की इबारत लिख सकता है, जबकि उसमें सुसाइड जैसी कहीं कोई बात नहीं थी? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जी कि व्यक्ति मरने से पहले इस प्रकार की इबारतें लिख के जाए जी। और इबारत अगर वो लिखता भी है तो उसकी हैंडराइटिंग से उसका मिलान करा लो। बिल्कुल, वो तो एक शब्द भी अगर आदमी ने लिखा है तो उसका पता चल जाता है जी। कोई इतना कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो अब आप देखिए, उसका एक जूता अंदर है और उस जूते के अंदर 3 कप चाय वाले, जबकि चाय वाले नहीं कहेंगे, वो खाली कप है, खाली कप। तो उन कपों में क्या चीज थी इसका पता लग जाएगा, क्योंकि वो 3 कप उसके अंदर कौन रखेगा। उसके आने के बाद में, उसके लटकने के बाद में क्या वहां व्यक्ति आए, क्या उन्होंने उसके उन कपों में कुछ पिया, ऐसा संभव नहीं है। वहां जूता अगर अंदर उसका रह गया है तो वो इसी तरह से रह गया है कि उस व्यक्ति को लटकाया है, लटकाते समय वो कहीं उससे दीवार से ठोकर खा गया तो वो एक जूता वहां पड़ा रह गया। यानी ये तस्वीरें और आपकी सारी जो आपने पूरा मामले को देखा है उससे साफ जाहिर होता है कि ये आत्महत्या का मामला नहीं बल्कि मर्डर का पूरा मामला है। जाहिर सी बात है कि पुलिस को इस जांच को तय करना है कि आखिर वो क्या फाइनल रिपोर्ट देती है। ललिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब पुलिस को लगभग 9 दिन गुजर चुके हैं, कोई भी अभी तक यहाँ पर इस तरह की बातें सामने नहीं आई कि आखिर पुलिस ने इस पूरे मामले का राज क्या खोला है, आगे आप क्या करेंगे? हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे ये कहा है कि इसका जितनी जल्दी हो सके खुलासा करें, इसकी जांच करें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, और इसमें अगर जो भी आप कहेंगे, हमने पूरी मदद की है उनकी, जो उन्होंने मांगा वो दिया है, पूरे घर वालों ने पूरा कोऑपरेट किया है। और 2 दिन का उन्होंने समय मांगा है कि हम आपको 2 दिन में हो सकता है कि इसकी गुत्थी सुलझे और हम आपको पूरी तरह से, हमारे इस तरह का कोई भी वो नहीं है कि कोई छुपाया जाए या कुछ किया जाए, ये हम जो दूध का दूध पानी का पानी हम करेंगे। अब देखने की बात है कि 2 दिन उन्होंने मांगा है, क्या करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये आंदोलन पूरे राजस्थान में किया जाएगा हमारी संघर्ष समिति द्वारा। यानी बड़ी बात ये कि जयपुर पुलिस ने वक्त लिया है परिवार वालों से और इस पूरे मामले को जो लेकर साथ चल रहे हैं उन लोगों से कि बहुत जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जयपुर पुलिस को इस मामले में कुछ क्लू मिले हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या था,
आम पब्लिक के सामने और सबके बीच सामने आए। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन सारे हालातों को देखते हुए आखिर कानूनविदों की नजरों में ये पूरा माजरा क्या हो सकता है। मेरा ये कहना है कि ये सुसाइड का मामला नहीं हो सकता, ये निश्चित हत्या का मामला है, क्योंकि जैसे कि जोशी साहब ने बताया और उनके परिजन ने बताया कि इसमें कहीं भी निशान नहीं पाए गए हैं पूरी बॉडी पे। सेकेंडली हमें देखना है कि डेथ स्ट्रैंगुलेशन के कारण डेथ हुई है, ये रिपोर्ट में आया है। तो स्ट्रैंगुलेशन थ्रॉटलिंग के कारण है, गला दबाने के कारण है, या स्ट्रैंगुलेशन लटकने के कारण है? तो उसका ओ मार्क आता है, उसका वी मार्क आता है। तो स्ट्रैंगुलेशन के कारण डेथ हुई ये पक्का है, पर अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, जो भी कोर्ट है जिसके सामने मामला जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देगी, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई है वो पूर्ण तरीके से जांच नहीं हुई है। क्लियर कट 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन करके उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया है। ये मामला पेचीदा मामला है। अगर पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर रही है तो परिवारजनों से मेरा ये आग्रह है कि वो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें और CBI या किसी इंडिपेंडेंट निष्पक्ष एजेंसी को हाईकोर्ट इस मामले में जांच सौंपे। ये तभी हो सकता है जब कोर्ट में मामला जाए, अगर पुलिस ने जो जांच कर ली है उसमें पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे, वो भी हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट के आग्रह पर ही होगा। जब तक कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, पुलिस इसमें कोई भी रिपोर्ट सबमिट करके इसको सुसाइड डिक्लेयर कर देगी, जैसे कि पुलिस ने अभी तक किया है। वाकई कानूनविदों का भी मानना है कि पूरा जो मामला है उलझा हुआ है और इस मामले को गहन तफ्तीश का भी वक्त लेना होगा। योगेंद्र जोशी जी और ललिता जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चेतन सैनी मौत मामले को आपको करीब से दिखाया, एक्सपर्ट्स की राय भी आपने देखी, आपने परिजनों को भी सुना, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हमारी पुलिस चुप क्यों है? इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी आखिर जयपुर पुलिस किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच सकी? वो सुसाइड या फिर कत्ल की तस्वीर साफ क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि अक्सर यही माना जाता है कि जब भी किसी गुनाह के खुलासे में ज़्यादा वक्त गुजरता है तो फिर उसकी तहरीरें भी बदलती रहती हैं और तस्वीरें भी। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।